हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद आखिरकार आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग्स जारी की हैं। आपको पता ही होगा पिछले 3 से 4 महीने से कोई इंटरनेशनल मैच हो नहीं रहा है, इस वजह से टेस्ट रैंकिंग्स जैसे की तैसी बनी हुई थी, नई टेस्ट रैंकिंग जारी नहीं हो रही थी। लेकिन अभी अभी क्योंकि वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज खत्म हुई है, इसके बाद नई एक तरीके से टेस्ट रैंकिंग आज जारी हुई है। और आपको बता दें इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव इस सेंस में कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड, जिन्होंने तीसरे टेस्ट मैच में 500 विकेट का कारनामा भी हासिल कर लिया, 67 रन देकर 10 विकेट अपने नाम चटकाए, इस प्रदर्शन का उन्हें बहुत फायदा मिला है। तीनों टेस्ट मैचों में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और इसका बहुत फायदा मिला है। स्टुअर्ट ब्रॉड आपको बता दें अब तीसरे नंबर के गेंदबाज बन गए हैं टेस्ट रैंकिंग में। पहले नंबर पर आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस हैं, जिनकी रेटिंग है 904 अंक। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के नील वैगनर हैं, उनकी रेटिंग है 843 अंक। और तीसरे नंबर पर स्टुअर्ट ब्रॉड आ गए हैं, इससे पहले वो 10वें नंबर पर थे। सोचिए इस प्रदर्शन का कितना उन्हें फायदा मिला, 10वें नंबर से सीधा तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, उनकी रेटिंग है 823 अंक। चौथे नंबर पे टिम साउदी हैं न्यूजीलैंड के 812 अंकों के साथ। जेसन होल्डर 5वें नंबर पे हैं, कगिसो रबाडा अफ्रीका के 6ठे नंबर पे हैं। और भारत का सिर्फ एक गेंदबाज इस टेस्ट रैंकिंग में है, टॉप 10 की टेस्ट रैंकिंग में, और वो है जसप्रीत बुमराह, जो कि 8वें पायदान पर हैं। मिचेल स्टार्क 7वें पायदान पर हैं उनसे ऊपर, और साथ ही साथ 9वें पे हैं ट्रेंट बोल्ट, और 10वें पर हैं ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इस सीरीज का जो फायदा हुआ है वो स्टुअर्ट ब्रॉड को सबसे ज्यादा हुआ है, क्योंकि उन्होंने 500 विकेट का कारनामा भी हासिल कर लिया है, और साथ ही साथ इस पूरी सीरीज में अच्छी गेंदबाजी करके उन्होंने 7 अंकों की छलांग लगाई है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में। तो ये अपडेट थी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग को लेकर। अपडेट अगर आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।